जो आप देखें यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए ये है ना क्लास 9th एग्जामिनेशन 2000। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अब झारखंड बोर्ड 8वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षा एक ही टर्म में होगी, यानी कि एक ही फाइनल एग्जाम होगा। और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है या जो दोस्तों फरवरी के लास्ट वीक या दोस्तों मार्च में आप लोगों का एग्जाम जो है लिया जाएगा। 8वीं 9वीं 11वीं की जो परीक्षा है या जो है अप्रैल में जो है अप्रैल 2023 में जो है ली जाएगी। ठीक है, तो अब यहां तक तो आपको पता ही है कि आपका जो है एग्जाम डेट क्या है। तो दोस्तों बच्चों का ये लगातार ये कॉमेंट आ रहा है कि सर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें, ऑब्जेक्टिव में क्या पढ़ें, सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें, सब्जेक्टिव में हम क्या पढ़ें। कई सारे सवाल जो है बच्चों के द्वारा कॉमेंट किए जा रहे हैं और बच्चों को अभी जो है काफी बड़ा जो है असमंजसताएं बनी हुई है, बच्चों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर अब हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, बोर्ड एग्जाम के लिए हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। किस तरीके से जो है अपना प्रिपरेशन जो है शुरू करें, किस तरीके से अपना जो है तैयारी जो है शुरू करें। देखिए सबसे पहले आप लोगों के मन में तो टारगेट लग रखा हुआ है कि हमें जो है इतना जो है मार्क्स उठाना है। किसी का बच्चा होता है ना सिर्फ हम सिर्फ पास हो जाएंगे तो बेहतर है, कि कोई कहता कि नहीं हम तो को टॉपर करना है, और जो बच्चा टॉपर करता वही मेहनत करता है। अब जो पास वाला है तो वो थोड़ा सा 1-2 महीना पढ़ लिया, उसके बाद निश्चिंत होकर वो अपना सिर्फ एग्जाम देने के लिए गया, खाली वहाँ पास मार्क, यहाँ भाई हम पास हो गए। लेकिन जो टॉपर रहता है ना वो मेहनत करना चाहता है, वो अपनी जो है लगन से जो है अपना नंबर उठाना चाहता है, उसका लगन ही कुछ अलग होता है, उसका जज्बा ही कुछ अलग होता है। चलिए खैर इस बात को छोड़िए, देखिए इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों के द्वारा जो लगातार कॉमेंट आ रहे हैं कि सर अभी जो है हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें इस वीडियो में जो है पूरी तरह से डिस्कस करने वाला हूं, ए टू जेड समझाने वाला हूं कि आखिर करना क्या है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जो है 8वीं से लेकर 12वीं तक के सभी छात्र देखेंगे और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही दोस्तों बेल आइकन का जो घंटी है उसको ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट करना, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को अब यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको एक टारगेट रख लेना है, माइंड पर आपको रख देना है कि हमको जो है 99% जो हमको मार्क जो है इस बार बोर्ड की परीक्षा में स्कोर करनी है। और उससे पहले जो भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स है, चाहे वो अदर स्टेट के भी आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसका पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आज जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो है एक आदेश जारी करते हुए जो है उन्होंने बताया कि अब जो बोर्ड की परीक्षा होगी वह जो है उसका पैटर्न 2020 वाला होगा। जी हाँ दोस्तों 2020 वाला होगा। देखिए अभी उन्होंने बताया कि 8वीं 9वीं और 11वीं का जो एग्जाम पैटर्न है वो जो है 2020 वाला होगा, समझिएगा। अब जो है ये 2020 वाला कैसे पैटर्न होगा, देखिए मैंने जो है इसके बारे में कई तरह से जो है समीक्षाएं की है और कई तरीके से जो है मैंने इस पर जो है पूरा तरह से जो है मतलब रिसर्च किया, और आप लोगों का जो है ये वीडियो ना पहले ही आ जाता, लेकिन क्या करें आपकी आपके लिए जो है सामग्री यानी कुछ भी मतलब उपलब्ध करा रहे थे, जैसे कि क्वेश्चन पेपर हो गया। देखिए 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये देखिए आप देख सकते हैं, ये जो आप देखें यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए ये है ना क्लास 9th एग्जामिनेशन 2000। आप देखें ये पेपर 3rd है यानी कि सोशल साइंस है, इसके मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का है, 9th का भी है, ये 9th का मैंने दिखाया, 11th का भी है और 8th का भी है। मैंने सभी का जो है 2020 2019 2017 जितना भी था ना सब का हम एग्जाम का जो है मतलब क्वेश्चन जो है मतलब मैट्रिक इंटरमीडिएट के साथ साथ 8वीं 9वीं का मैंने क्वेश्चन जो है पेपर पिछले प्रीवियस ईयर का यानी पिछले साल का जो है 4 साल 5 साल पीछे तक का जो है मैंने यह क्वेश्चन देखा। और जब यहाँ पे पैटर्न ये किया गया कि 2020 वाला पैटर्न आप लोगों के लिए जो है 8वीं 9वीं 11वीं का होगा, तो अब यहाँ पे दिमाग में सबका जो है खड़कने लगा है कि अब एग्जाम का जो ओमार वाला तो सिस्टम दिया है लेकिन कहां इस कैसे देगा, फुल मार्क कितना रहेगा, किस तरीके क्वेश्चन रहेगा, वो आपको यहां पे बताऊंगा। और इसमें साफ साफ लिखा गया, देखिए यहां पे साफ साफ मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये क्लास 9 का है ना, देखिए 9 का दिखा रहा हूं और यहां पे 11th का भी है और 8 का भी, उसका भी मैं दिखाऊंगा। देखिए यहां पे सारा चीज दिखाया गया है, उसको मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले समझेंगे दोस्तों क्लास 8 वालों का जो, ठीक है, क्लास 8 वालों का जो पैटर्न क्या होगा 2020 के अनुसार। 2020 के अनुसार ये है कि अब जो है इसमें जो है फुल मार्क जो रहेगा, इसमें फुल मार्क जो है 50 अंक रहेगा,
50 अंक फुल मार्क रहेगा, लेकिन प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेंगे इसमें जो है ना टोटल प्रश्नों की संख्या लिखिए, प्रश्नों की संख्या जो रहेगी ठीक है, प्रश्नों की संख्या मात्र जो है 20 रहने वाला है। समझिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और मैं जो है 8वीं के साथ साथ 9वीं 11वीं का बताने वाला हूँ, साथ ही मैट्रिक इंटरमीडिएट का पैटर्न के भी बारे में बताऊंगा। थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप लोग मैनेज कीजिएगा, थोड़ा इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे बताया अभी कि क्लास 8 का जो है 2020 के अनुसार जो पैटर्न यहाँ पे अभी आदेश आया है, और उसके अनुसार दोस्तों आपको जो है प्रश्न जो है टोटल मतलब जो है 20 देंगे, लेकिन फुल मार्क आप लोगों का जो है 50 रहेगा, जिसमें कि सभी प्रश्नों के जो है प्रत्येक में ठीक है प्रत्येक में जो है आपको 2.5 अंक मिलेगा, प्रत्येक में आपको 2.5 अंक मिलेगा, और समय दोस्तों आपको जो है 1.5 घंटे का दिया जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट का जो है समय मिलने वाला, इस तरीके से जो है 8वीं वालों का है। अब देखिए 8वीं वालों के बारे में तो आप लोग समझ गए, इस प्रकार से पैटर्न दिया गया है। क्लास 9 की बात कर लेते हैं, क्लास 9 का पैटर्न, क्लास 9 जो है 2020 के अनुसार देखिए तो दोस्तों इसमें जो है आपको जो है 40 फुल मार्क जो है 40 अंक का होगा, फुल मार्क कितना होगा 40 अंक होगा, और इसमें दोस्तों प्रश्न की संख्या भी आप लोगों की 40 होगी, प्रश्न की संख्या आपकी 40 होगी, और इसमें दोस्तों प्रत्येक प्रश्न में जो है आपको 1 अंक मिलने वाला है, प्रत्येक में आपको 1 अंक मिलेगा, और इसमें जो है समय आपको जो है 1 घंटा 30 मिनट का भी मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपका यहाँ पे खेला देखिए समझिएगा, सिर्फ 8वीं वालों को ध्यान दीजिए, 8वीं वालों में क्या है कि इसमें जो है 50 अंक है तो फुल मार्क 50 अंक है, तो यहाँ पे देखिए 9वीं वालों में क्या है 40 अंक है फुल मार्क, और इसमें देखिए प्रश्नों की संख्या 9वीं में क्या है 40 है, तो 8वीं में हो गया 20 अंक ठीक है, प्रश्नों की संख्या 20 है, और प्रत्येक अंक जो है 2.5 अंक है 8वीं का, और जो है प्रत्येक प्रश्नों में जो है 1 अंक है 9वीं का, और जो समय है वो सेम दिया जा रहा है 1.5 घंटे का। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, क्लास एट का हो गया, क्लास 9 का भी मैंने बता दिया है, क्लास जो है अब देखिए आपका 11 का ठीक है, क्लास 11 का भी 2020 के अनुसार ही आपका पैटर्न ना लागू किया गया है। तो अब देखिए 2020 के अनुसार जो आपका एग्जाम पूछा जाएगा, इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले फुल मार्क जो रहेगा ना वो 40 रहेगा, फुल मार्क आपका क्या रहेगा 40 रहेगा, 40 अंक का जो है आपका एग्जाम्स होगा। इसमें भी क्या होगा कि प्रत्येक ठीक है, यानी कि प्रश्न की संख्या, प्रश्न जो रहेंगे यह लिख देता बढ़िया से, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या जो होगी वो आपका जो है 40 रहने वाला है, प्रश्नों की संख्या भी 40 होगी, और इसमें जो है प्रत्येक प्रश्नों में ठीक है प्रश्न में जो है आपको 1 अंक मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक मिलेगा। इसमें जो है समय भी आपको दिया जाएगा, समय आपको जो टाइम मिलने वाला है, ड्यूरेशन जो एग्जाम में दिया जाएगा वो 1 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा, यानी कि आपको जो है 1.5 घंटा का समय मिलेगा। देखिए 8वीं 9वीं 11वीं में समय जो है एकदम 1.5 घंटे का मिलेगा, सेम रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों 9वीं और 11वीं का जो है पैटर्न एकदम सेम है, सिर्फ 8वीं वालों का चेंज है, 8वीं में मात्र जो है प्रश्न आपको 20 पूछा जाएगा, और इसमें जो है आपको 50 फुल मार्क दिया जाएगा। इस तरीके से देखिए मैंने जो है 9वीं और 11वीं वालों का बता दिया है। अब ध्यान दीजिए 10वीं और 12वीं वालों की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे जो है काफी ज्यादा इस पर जो है अटक जाते हैं, बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों का किस तरीके से हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने 2020 का भी मैंने क्वेश्चन देखा, 2019 का देखा, 2013 से लेकर 2020 तक, 2022 का भी मैंने देखा है, सबका एनालिसिस करने के बाद अब डिफिनेट जो है मतलब जो कंफर्म जो आपका पैटर्न होगा वो किस प्रकार होगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए कि पिछले साल ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा आपका जो है पिछले साल जो है ठीक है, याद रखेंगे ध्यान दीजिए, पिछले साल आपका जो है 2022 में ठीक है, और आपका अभी 2023 का सिलेबस क्या था याद रखिएगा, सबसे पहले सिलेबस क्या था, सिलेबस यही था कि आपका जो है पहले एग्जाम निर्णय यह लिया गया कि आपका 2 बार एग्जाम्स होगा, टर्म 1 और टर्म 2 के रूप में। तो देखिए टर्म 1 में जो आपका 50% सिलेबस था, देखिए यह ध्यान दीजिएगा आपका जो 50% ये तो 100% सिलेबस है ना, ये 100% सिलेबस है, इसमें टर्म 1 में जो आपका 50% सिलेबस रहेगा और टर्म 2 में जो आपका 50% सिलेबस है, अब आपको जो तैयारी करनी है वो इस प्रकार से तैयारी करनी है ताकि आपको
किसी भी प्रकार की जो है परेशानी ना हो, आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टर्म वन में जो आपका 50% आपका जो है सिलेबस है, इससे आपको क्या करना है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव भी निकालनी है प्लस में आपको जो है सब्जेक्टिव भी निकालनी है, इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और टर्म टू में भी क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव भी आपको निकालना है प्लस में आपको क्या करना है सब्जेक्टिव भी निकालना है। देखिए आपका जो टर्म वन वाला एग्जाम था इससे जो आपको क्या करना है, इससे आपको क्या होगा 40 अंक का एग्जाम्स होगा, ठीक है। टर्म वन का जो पैटर्न था टर्म वन वाला उसमें 40 अंक होगा, और टर्म टू वाला जो पैटर्न था उसमें भी आपका क्या होगा 40 अंक का जो है प्रश्न, यानी इसमें जो फुल मार्क 40 रहेगा। लेकिन समझ लीजिए दोस्तों, टर्म वन वाला जो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, इसमें खाली ऑब्जेक्टिव देखिए, सबसे पहले यहां दिखा देता हूं कि 10वीं और 12वीं वालों का जो पैटर्न है, 12वीं वालों का जो पैटर्न है वो इस प्रकार है कि इसका जो एग्जाम्स होगा ऑब्जेक्टिव भी होगा प्लस में आपका सब्जेक्टिव भी होगा, यानी कि इसका जो एग्जाम्स होगा आपका ओमार पर भी लिख लिया जाएगा और आपको वह लिखित भी दिया जाएगा, उत्तर पुस्तिका में आपको एग्जाम देनी होगी, यानी दोनों प्रकार से आपको दिया जाएगा। टोटल समय आपको जो है 3 घंटे का ही मिलेगा, 3 घंटे का ही आपको समय दिया जाएगा, और तीनों घंटा में जो है ओमार वाला में ओमार के लिए आपको जो है 1 घंटा 20 मिनट, और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखित के लिए जो है आपको जो है 1.5 घंटा और 10 मिनट का जो है थोड़ा सा गैप दिया जाएगा पढ़ने के लिए। उसके अतिरिक्त समय जो आपको भी दिया जाएगा, यानी कॉपी उपी जो पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए जो है आपको 15 मिनट का अतिरिक्त जो है समय दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको किस तरीके से पढ़ना है। टर्म वन से आपको ऑब्जेक्टिव भी निकालना है जो कि आधा सिलेबस आपका टर्म वन टर्म टू के लिए जो दिया गया था पिछले बार, और आपका जो पहले इससे पहले जो आपका सिलेबस जारी हुआ है उससे आपको करना क्या कि जो आधा सिलेबस है ना उससे आपको ऑब्जेक्टिव भी निकालना है और सब्जेक्टिव भी निकालना है, और आधा जो सिलेबस टर्म टू के लिए जारी किया गया था उसमें भी आपको जो है ऑब्जेक्टिव भी निकालना है और सब्जेक्टिव निकालना है। देखिए दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव वाला जो फंडा है ना, ये ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव ही आपके नंबर को ज्यादा बूस्ट करेगा। इसलिए दोस्तों अभी जो है ना ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव को ज्यादा याद करने के लिए, सब्जेक्टिव वाला आप तो याद कर मतलब रिविजन कीजिएगा ज्यादा उसको, देखिए ज्यादा रिविजन कीजिएगा, ज्यादा उसको हल कीजिएगा, ज्यादा बनाइएगा ना तो क्या होगा वो याद होते जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव वाला क्या होगा, थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा उसको याद करना, थोड़ा सा एकदम देख कर उसको ये उसका ऑप्शन ये होगा, नहीं ऐसा नहीं। आपको जो है यहाँ पे दिया जाएगा प्रकाश गमन करती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, अगर आप उसे सब्जेक्टिव के रूप में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। और ये ऑब्जेक्टिव है ना आपके रिजल्ट में, ठीक है, आपके रिजल्ट में ये काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये ऑब्जेक्टिव जो है काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा। अगर सब्जेक्टिव में अगर कम स्कोर आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, इस स्कोर को जो है मूव करेगा, यानी कि इसको जो है बढ़ाएगा, बूस्ट करेगा, और आपका रिजल्ट जो है ना दोस्तों, आपका रिजल्ट जो है 95% बन जाएगा। ये आप टारगेट रखें और इसके अनुसार आपको तैयारी करनी है, हर हाल में तैयारी करनी है। ये मत सोचिएगा कि हाँ आज हम पढ़ लिए कल हम नहीं पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा रेगुलर आपको करना पड़ेगा। हर समय आपको जो है माइंड में रखना है हमको जो भी क्रिया करनी है, जो भी हमको स्टडी का मटेरियल बनाए हैं, जो भी हमको पढ़ना है वो हर रोज करना है, ये नहीं कि आज हम बना लिए और कल हम छोड़ दीजिए परसों बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है। तो इस तरीके से आपका जो है पैटर्न होने वाला है, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों निकालेंगे। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको मैं पूरी तरह से इसके बारे में देखिए 10वीं वालों का जो पैटर्न है किस सब्जेक्ट में कितना अंक मिलेगा, किस सब्जेक्ट में आपको कितना फुल मार्क दिया जाएगा वो तो आपको पता है, ठीक है, पता ही है। तो अब यहाँ पे क्या सवाल आ रही है कि फुल मार्क आपका 80 है, देखिए आपका जो टर्म वन वाला था 40 अंक का है और टर्म टू वाला यानी कि ऑब्जेक्टिव आपका जो है 40 रहेगा और सब्जेक्टिव आपका जो है 40 रहेगा, फुल मार्क आपका कितना हो गया 40 ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव, यानी कि 80 अंक आपका एग्जाम्स होगा, 80 अंक का एग्जाम्स होगा। और इसमें जो है 20 अंक का जो है स्कूल स्तर पर जो दिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट वाला एग्जाम वाला देख लें, तो यहाँ पे 80 अंक का जो है आपका एग्जाम्स होगा। अब एग्जाम 80 अंक लाने के लिए आपको मेहनत करना होगा और 4 मंथ का जो समय बचा है और 4 मंथ में जो है ऑब्जेक्टिव भी निकालना और सब्जेक्टिव भी निकालना है, थोड़ा सा आपके लिए मेहनत तो ज्यादा है, लेकिन हम आप लोगों के लिए जो है मेहनत को कम करेंगे और हम जो है आप लोगों के लिए जो है बहुत सारे जो है यहाँ पे किताबें भी इकट्ठा हम लोग कर लिए हैं। देखिए 10वीं का जो है और 12वीं का 2013 से लेकर 2022 तक का जितना भी क्वेश्चन पैटर्न वाला था, जितना भी क्वेश्चन था वो सारा चीज इकट्ठा कर लिए हैं, और इसका भी ये 10वीं से लेकर 8वीं 9वीं और 11वीं का भी क्वेश्चन आ चुका है। अब लगातार जो आप लोगों को मैं इसके मतलब क्वेश्चन पेपर जो है प्रोवाइड कराऊंगा, फिर आपके जो एग्जाम की तैयारी एकदम लगातार होगी, धांकड़ एग्जाम की तैयारी होगी और आप जो है बोर्ड एग्जाम में जो अच्छा मार्क्स उठाओगे, और मैं गारंटी है दोस्तों आप अगर अच्छे से मेरे साथ में अगर पढ़ते हैं ना, अगर हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पढ़ते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ
होगा दोस्तों, इस बार आपका जो है 95% कोई नहीं काट सकता है। और इस तरीके से मैंने आपको पैटर्न भी बता दिया है। और देखिए ये तो काफी इजीली है, आठवीं नवीं ग्यारहवीं वालों का पैटर्न ईजी है, थोड़ा सा जो है दसवीं और बारहवीं का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको इसका आसान भी कर दूंगा। और जो भी क्वेश्चन मेरे पास आया है वो धाकड़ क्वेश्चन सब है, उसका जो है एकदम सेम क्वेश्चन वही घुमा फिरा के देता ही है, ज्यादा क्वेश्चन तो छाटता उड़ता नहीं है, क्योंकि एक ही टीचर जो है बार बार क्वेश्चन को रिपीटेड करता है, तो ज्यादा नहीं कुछ दिक्कत होगा। तो जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरह से आपको पढ़ना है और इसी तरीके से आपको जो है तैयारी करनी है। देखिए आप लोगों का ज्यादा कमेंट आ रहा था कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ना है, सब्जेक्टिव कैसे पढ़ना है, मैंने सारा चीज यहाँ पे आपको बता दिया है। साथ ही दोस्तों एक बार मैं फिर से और बता देता हूँ, देखिए मैंने जैसे बताया कि आपको जो है किस तरीके से पढ़ना है, देखिए ऑब्जेक्टिव वाला में क्या है कि थोड़ा सा ये फंडा ये है ना कि ऑब्जेक्टिव वाला हम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि कुछ देर बाद उसको भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा कि उसको अगर हम यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे ये प्रश्न है, ठीक है ये प्रश्न है, उसका उत्तर डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए, उत्तर लिख कर जो है इसको याद कर लीजिएगा। इस तरीके से आप याद करेंगे तो वो याद हो जाएगा। और आप ऑप्शन वाला याद करोगे, ऑप्शन देकर कि नहीं इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, इस तरह की याद करोगे तो फिर आप जो है बीच रास्ते में, बीच धारे में जो है फंस जाओगे, बीच रास्ते में फंस जाओगे। और क्वेश्चन वहाँ पे क्या है अगर घुमा के दे देना तो आपको यहाँ पे ऑप्शन वाला याद है लेकिन वो तो आंसर याद नहीं है, तो फिर आप दिक्कत हो जाओगे। उसके साथ ही दोस्तों आपका सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन जो कि आपको जो है यहाँ पे दो अंक का मिलेगा, फिर तीन का मिलेगा, चार और आपका जो है छः अंक का मिलेगा, ठीक है ये वाला छः नहीं पाँच अंक का, ये छः तो हटा दिया है ना, पाँच अंक का मिलेगा। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव वाला में क्वेश्चन दिया जाएगा, इस तरह से निर्धारित रहेगा, ठीक है इस तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में जो है क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के जो क्वेश्चन पैटर्न है, ठीक है जो आपका एग्जाम पैटर्न है उनके अनुसार इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर इस वीडियो को आप लाइक कर देते हैं तो बहुत मेहरबानी है। और दोस्तों आप इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।